बराबर आए हुए हैं। मैं ज्यादा देर ना करते हुए सीधे अनुराग जी से आग्रह, भारतीय जनता पार्टी के लिए आपका आशीर्वाद मांगने के लिए जो जन कल्याणकारी नीतियां डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र में मोदी जी ने, प्रदेश में शिवराज जी ने हमारे प्रदेश के लोगों के लिए चलाई है, मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूं, आज से 20 साल पहले जब यहां पर कांग्रेस की सरकार थी 2002 तक, उस समय तक मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। डर आतंक टूटी फूटी सड़कें होती थी, रेलवे लाइन भी नैरो की जाती थी, छोटी सी, हर घर नल से जल भी नहीं आता था, सिंचाई योजनाएं भी नहीं थी, मेडिकल कॉलेज भी नहीं थे, बड़े अस्पताल भी नहीं थे। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ, पिछले 18-20 सालों में बहुत कुछ बदला है, क्योंकि आपने जब से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने की शुरुआत की, तब से मध्य प्रदेश, ये मेरा और आपका मध्य प्रदेश जो कभी बीमारू राज्य कहते थे, आज आगे बढ़ने वाला अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश बना है। मेरे भाई और बहनों, ये सब आपके आशीर्वाद के कारण बना है, क्योंकि आपने कमल का बटन दबाया, शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाया, केंद्र में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। तो आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान देश में किसी ने बना कर दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बना कर दिया। भाई और बहनों, 10 करोड़ बहनों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर देने का काम, और अब रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना वालों को 400 रूपये सस्ता कर दिया और सभी नागरिकों के लिए 200 रूपये उसके दाम कम कर दिए। ये केंद्र सरकार ने किया, लेकिन यहां पर तो शिवराज जी ने जो बाकी 700 रूपये देने थे उसमें भी 450 रूपये कम कर दिए मेरे बहनों के लिए। भाई और बहनों, यही नहीं, अगर आप देखोगे बहुत अत्याचार मेरी बहनों के खिलाफ देश भर में देखने को मिलता था, शौचालय की सुविधा नहीं थी, 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए ताकि बहनों ने उसको इज्जत घर नाम दिया, हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया, कोई बीमार हो जाता था तो इलाज कराने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, अगर देश में 60 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में बिल्कुल मुफ्त दिया है, तो उसमें भी मेरा मध्य प्रदेश सबसे आगे बढ़कर आया है। मैं बधाई देता हूं यहां के लोगों को, शिवराज जी की सरकार को। भाई और बहनों, हमारे यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी शिवराज जी ने मेडिकल कॉलेज दिया था, लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं चाहते थे कि आपके बच्चे डॉक्टर बने, आपके बेटे बेटियां नर्स बने, उन्होंने यहां का मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिया। लेकिन जैसे फिर भाजपा की सरकार आई, अब कुछ दिनों में आपका मेडिकल कॉलेज आपके बच्चों के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। यही नहीं, हमारे यहां पर नहर योजना जिससे खेतों तक पानी आना था, और एक किसान हमारे संपन्न और समृद्ध ना हो, ये कांग्रेसियों ने पूरा मन अपनी सरकारों के समय उस समय तो फिराया था 2002 से पहले, अब भी उन्होंने वही किया, उस योजना को रोक दिया था, पैसा खा लिया था कांग्रेसियों ने। लेकिन वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो नहर योजना को पूरा करने की ओर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए काम किया। मोदी जी हर साल किसानों के खाते में 6,000 रूपये डालते कि नहीं डालते हैं, जिसको लगता डालते हैं हाथ खड़ा करके बता दे। और शिवराज जी की सरकार भी, प्रदेश की सरकार भी, मोदी जी के 6,000 के अलावा पहले 4,000 देती थी, अब 6,000 रूपया किसानों को मध्य प्रदेश की शिवराज जी की भाजपा की सरकार अलग से देती।
तो 6000 मोदी जी के, 6000 शिवराज जी के डबल इंजन की सरकार के 12000 रुपए किसानों के खाते में। दुनिया भर में खाद के दाम 3 गुना बढ़ गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1 रुपए का दाम भी नहीं बढ़ने दिया है, किसानों के ऊपर बोझ नहीं बढ़ने दिया। हमने सिंचाई योजना हो, खाद देने का काम हो, नहर से पानी देने का काम हो, हमने गेहूं के क्षेत्र में भी गेहूं का उत्पादन अगर देश में निर्यात करने वाला सबसे बड़ा राज्य कोई बना है तो हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 बना है मेरे भाई और बहनों। इसके लिए बधाई मैं आप सबको देता हूं कि आपने भरपूर मेहनत की है और यहां पर भाजपा की सरकार ने काम किया। भाई और बहनों, मेरी बेटी बेटा यानी कि हम सबके बेटे और बेटियां अगर थोड़ा सा भी अच्छा पढ़ते हैं, पहले 75% नंबर लेने पड़ते थे, अगर अब 60% भी लोगे तो लैपटॉप हमारे बच्चों को देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी है हजारों युवाओं को भी। अब गरीब के बच्चों को, गरीब के बेटे और बेटी को अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, शिवराज मामा की सरकार आपके बेटे बेटियों को लैपटॉप देने का काम करेगी। मेरे भाई और बहनों, कोई ऐसा क्षेत्र बताइए मध्य प्रदेश में, केवल इतने बड़े मध्य प्रदेश में केवल 61,000 किलोमीटर सड़कें थी, आज 5,00,000 किलोमीटर सड़कें का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। रेलवे लाइन दुगनी कर दी, सुविधाएं और ट्रेनें शुरू कर दी, वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू कर दी, एक नहीं अनेक योजनाएं लेकर आ गए। आज बड़े से बड़े उद्योग मेरे मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। भाई और बहनों, प्रति व्यक्ति आए मात्र 12-13 हजार रुपया होती थी, आज वो बढ़कर 1,30,000 रुपया सालाना हो गई है और आगे आने वाले समय में आपकी आमदन को दुगना करने का काम ये भी मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर करेगी। भाई और बहनों, बढ़नी चाहिए आमदनी, बढ़नी चाहिए, जिसको लगता है आमदनी बढ़नी चाहिए तुम्हारी बढ़नी चाहिए हाथ खड़ा करो। इस भाई को तो लगता है बढ़नी चाहिए, उसने आप सबकी ओर से धमाका कर दिया है। मेरे भाई और बहनों, मुझे केवल इतना कहना है, आज दुनिया भर के जो 20 सबसे शक्तिशाली देश है, जो दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली देश है, वो कहां पर आए थे? G20 के देश कहां आए थे? हमारे भारत आए थे। और जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले कल दिल्ली में कर दिखाया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। पूरी दुनिया में भारत का डंडा बोल रहा है तो बोले मोदी जी को जय श्री राम। तो मोदी जी को यहां से बधाई देना चाहते हैं, जोरदार नारे लगाएंगे, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। पहने तो लगा रही मेरे भाई जो खड़े हैं थे, भाई और बहनों, अच्छा किसी ने कहा लाडली पहना, बार बार कहते लाडली पहना, लाडली बहना का किसके खाते में पैसा आया मेरा हाथ खड़ा करके बता। अरे सभी क्या आ गया, अरे वाह। मेरी बहनों, किस्त तो कल आ गई, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, रसोई घर का चूल्हा हो, गैस सिलेंडर हो, गरीबों के लिए पक्का मकान बनाने के देने की बात हो, बेटियों के लिए लाडली बेटी योजना की बात हो, वो भी मोदी शिवराज जी की सरकार ने की, और लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,250 रुपए आपके खाते में भी आता है। जिस बहन के पास अपना पक्का मकान नहीं होगा उसको पक्का मकान भी बनाकर दे दिया जाएगा। मेरी बहनों, ये भी सुनिश्चित कर देंगे। भाई और बहनों, यहाँ पर कुछ नेता, ये जो मेरे युवा भाई यहाँ पर खड़े मेरे साथ जेल में थे, लेकिन जेल में क्यों थे आप पूछिए तो सही,
ये 2011 में जब कलकत्ता से कश्मीर हम यात्रा लेकर गए, तिरंगा झंडा फहराने कश्मीर गए थे। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन सोनिया गांधी राहुल गांधी जी ने आदेश जारी करवा दिए और उमर अब्दुल्ला की सरकार ने मुझे जेल में डाल दिया, इन नौजवानों को जेल में डाल दिया, लाठियां बरसा दी हमारे ऊपर। अपने देश के अंदर हम तिरंगा झंडा नहीं फहरा पाए। लाल चौक पर जाकर हमने जब तिरंगा झंडा फहराया तो हड्डियां तोड़ दी गई, लेकिन आपने मोदी जी की सरकार बनाई, धारा 370 बंद की थे, सदा सदा के लिए समाप्त कर दी है। और आप हर साल, इस साल भी जब कहा हर घर तिरंगा लहरा दो, कश्मीर की गली गली में भी तिरंगा झंडा लहराया, ये नरेंद्र मोदी ही करवा पाए मेरे भाई और बहनों। मुझे लगा यहाँ पर सब भक्ति होंगे भाई। आज पूरे देश और दुनिया में महाकाल लोक की धूम है और पूरी दुनिया आज महाकाल लोक धाम को देखने के लिए कई गुना ज्यादा लोग आए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ही संभव है। जहाँ भव्य और भव्य सोमनाथ मंदिर बना दिया, भव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बना दी, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बना दी, महाकाल लोक धाम बना दिया, और अब दिव्य और भव्य अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी और राम भक्तों ने करवा दिया है। लेकिन कांग्रेस कहती है हिंदू और सनातन धर्म इसको कुचल देना है। क्या सनातन धर्म को कुचल देना चाहिए? क्या सनातन धर्म को कुचलना चाहिए? अरे कांग्रेस ये इनके नेता कहते हैं, जो इनके गठबंधन के नेता है, ये कहते हैं हिंदू डेंगू मलेरिया की तरह, सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह, ये कहते हैं एचआईवी एड्स की तरह है, ये लोग कहते हैं उसको नष्ट करना, जड़ से मिटाना है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को अपमानित करते हैं, उसका अपमान भी करते हैं, उसकी धज्जियां भी उड़ाते हैं। कानून के खिलाफ, कानून के अनुसार इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बहनों में इतना ही कहना चाहता हूँ, ये चुनाव आते हैं तो अपने आप को कभी शिव भक्त कहते हैं, कभी देवी भक्त कहते हैं, कभी हनुमान भक्त कहते हैं, कभी कृष्ण भक्त कहते हैं, लेकिन सनातन धर्म को जड़ से मिटाने की बात जब कांग्रेस ही करते हैं तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह ये सब चुप रहते हैं, कोई मुंह से शब्द नहीं बोलता है। इसलिए जवाब आपको देना है, ये लोग हिंदुस्तान में रहकर, भारत में रहकर भारतीय परंपराओं को खत्म करने की बात करते हैं। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, जिस भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश का विकास किया, जिस भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना योजना चलाई, जिसने बेटियों को आगे बढ़ाने का काम किया, आप अपना आशीर्वाद उस भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बनाए रखना, ताकि जनता का कल्याण जारी रहे, मध्य प्रदेश आगे बढ़ता रहे और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर अपनी बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों का विकास ये भारतीय जनता पार्टी करते रहे। अगर आप आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो तो आप दोनों हाथ खड़े करके, माननीय सांसद जी भी आ गए, दोनों हाथ खड़े करके, भाई जो अपने परिवार का वोट भी डलवाएगा, जो अपने परिवार का वोट भी डलवाएगा जरा हाथ खड़ा करके बताओ, जो कमल का बटन दबाएगा हाथ खड़ा करके बताओ, बोले भारत माता की, गायत्री मेडिकल स्टोर वाले भारत माता की, भारत माता की, हिंदो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज सब जुड़े शानदार कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सारी बहनों के चरणों में माथा टेक कर आपका अभिनंदन करता हुआ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।